जो कि हमारे इस पठान परिवार की परिवार मेंबर भी कहा जाता है और हमारे सबसे डांटे प्यारे रूपेश जी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मंच के ऊपर आइए, प्लीज मंच के ऊपर आइए। माँ अगर समझो ये बीमार हो जाती है तो किस तरह से आप लोग खड़े हो जाते हैं? पूरा परिवार साथ में रहते हैं और पूरा परिवार साथ में ज्वाइंट होके आ जाते हैं। माँ की तबीयत जरा भी खराब होगी तो पूरा खानदान मेरा आ जाता है, खानदान को देख के माँ खुश हो जाती है। कितने लोग का परिवार है? मेरे घर में कम से कम टोटल 30 लोग हैं हम लोग और दोनों भाई ज्वाइंट फैमिली में चलते हैं। आज क्या मांगी, दुआ क्या है आपकी? कोई नहीं, माँ की दुआ से सब ये हो रहा है। माँ की दुआ से जो भी करते भी हो रहा है माँ की दुआ से हो रहा है। माँ को जितना चाहता हूँ मैं, हर साल मेरे माँ का बर्थडे ऐसे ही मनाता हूँ और जब तक रहूँगा ऐसे ही मनाते रहूँगा। क्या दुआ करें अल्लाह से और उनकी हयाती दें? और उनकी हयाती दें और जो जो आते हैं, बहुत जन आते हैं मेरी माँ से दुआ मांगने के लिए, बहुत जन आते हैं पाँव पड़ के दुआ लेते हैं मेरे माँ से और गाँव वाले भी आते हैं। गाँव में मेरी माँ वही सबसे जुनी मेरी माँ ही है, तो माँ की दुआ से सब मैं कर रहा हूँ, माँ की दुआ से मेरे हो रहा है। नए पीढ़ी को क्या बोलेंगे आप, नए जनरेशन को क्या बोलेंगे, माँ की दुआ कैसी लेना चाहिए? नए जनरेशन को यही बोलूंगा कि जो भी करना है सबकी सेवा करो, कुत्ते बित्ते की सेवा करते उससे अच्छा माँ की सेवा करो। माँ की सेवा में जो जन्नत है वो किसी में भी नहीं है। आज अपन देख रहे हैं कि हमारे फ्रेंड जो यहाँ वसन नगरी और सहन में सबको मदद करते हैं, मक्खन पठान उसकी मम्मी का 110वां सालगिरह था यहाँ पे और सभी यहाँ के कार्यकर्ता सभी महिला मंडल हम लोग सब गए। 110 उम्र की जो हमारी मम्मी है वो केक काट रही थी, तो ये सब भाग्य है कि हम लोगों का भाग्य है कि 110 साल के और मम्मी का हम लोग सब केक काट रहे थे और उनको देख के हमको बहुत अच्छा लगा। उनकी जो फैमिली है वो फैमिली उनके ऊपर बहुत प्यार करते हैं, सिर्फ बच्चे ही नहीं उनकी बहू है, छोटे बच्चे हैं, वो मम्मी को बहुत चाहते हैं। मैं सभी को नम्र विनती करता हूँ कि इस एरिया में हमारे जितने तरुण बच्चे हैं उन्होंने माँ बाप को कभी आप घर से बाहर मत निकालो। आज 110 साल तक अभी मम्मी यहाँ पे जिंदा है और खुद केक काट रही है और आप देख रहे हैं कि उनके जो इतना खुशी देख के कुछ इतना मतलब मैं इमोशनल हो गया कि आज 110 साल की होते हुए भी खुद केक काट रही है, देखिए हम लोग बहुत खुश हैं। मैं सबको ये विनती करता हूँ कि माँ बाप के ऊपर बहुत, अगर माँ बाप नहीं रहते थे तो शायद अपनी दुनिया नहीं रहते थे। आज मैं सबको हमारे मम्मी, हमारे फ्रेंड की मम्मी का आज 110वां साल है और मैं सबको शुभकामना देता हूँ, उनको देता हूँ, फैमिली को देता हूँ, हमारे कार्यकर्ता है उनको शुभकामना देता हूँ इस कार्यक्रम में। Don't even know.